एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट के द्वारा होटल सफायरिन में शिक्षकों के समाज में योगदान को नमन करने के लिए गुरु गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नगर के कई प्रख्यात शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर रविन्द्रनाथ पाठक, विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष किरण गुप्ता, प्रख्यात उद्यमी रूपेश कुमार, शिक्षाविद डॉक्टर गणेश दत्त पाठक, लायंस क्लब की सचिव डॉक्टर सबीना जावेद आदि लोग मौजूद रहे। होटल सफारी में आयोजित गुरु गौरव सम्मान समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर से हुई, फिर महान शिक्षाविद और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस रामाकृष्णन के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया, फिर स्वागत अतिथियों का सम्मान संस्था प्रमुख अनमोल कुमार के नेतृत्व में किया गया। स्वागत भाषण नीतीश कुमार ने दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविन्द्रनाथ पाठक ने कहा कि यह भारत ही है जहां पर राष्ट्रपति अपने को शिक्षक बताना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इस अवसर पर सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट के अध्यक्ष अनमोल कुमार ने कहा कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है। ऐसे में सिवान के विविध क्षेत्रों से जुड़े शिक्षकों को सम्मानित कर संस्था गौरव महसूस करता है। इस अवसर पर संगीता कुमारी, अंजलि कुमारी, किशन वर्णमाल, मनीष तिवारी, सचिन कुमार, सुबोध सिंह, राकेश कुमार, शबीर आलम, प्रमोद कुमार, डी कुमार, साजिद अली, रामाकांत पाठक, सुनील यादव, गौरव कुमार, राजन कुमार, बाबली कुमारी आदि शिक्षक को सम्मान किया गया। मौके पर अरविंद पाठक, अविनाश कुमार, सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट के अध्यक्ष अनमोल कुमार, उपाध्यक्ष संदीप कुमार, प्रवक्ता नीतीश कुमार, मीडिया प्रभारी सानू कुमार, आशीष रंजन, कोषाध्यक्ष सूरज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। देश का नाम भारत, भास शब्द का ही अर्थ होता है सत्य और ज्ञान, उसमें रत रहने वाले लोगों का देश। और इसकी दूसरी खूबी ऐसी होगी कि भारत का राष्ट्रपति अपने लिए राष्ट्रपति वाले पद का जन्मदिन के तिथि में नहीं मना रहा है, वो अपने शिक्षक होने के गर्व का विषय मनाता है। और ये 5 तारीख राधाकृष्णन जी के, जो अपने पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भारत के हुए, वो अनेक देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके और कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के उद्भट विद्वान थे। बहुत गरीबी से उतनी ऊंचाई तक पहुंच के और उनको जो आनंद दुनिया को शिक्षा देने में हुआ, लगा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वो देशों में जा रहे थे। और ये आज भी बड़ा अच्छा दिन है इसलिए कि हम लोग यहाँ 5 तारीख का दिन ये गुरुवार गुरु वंदन का कार्यक्रम हो रहा है। आज के दिन ये जो इनके जन्मदिन को हम शिक्षक के सम्मान के रूप में, और भारत के भाग्य में एक बात है, जब कभी संकट आया तो राज्य सत्ता ने संकट का निवारण नहीं किया। अब आपको ध्यान में आएगा, इतिहास को गौर से देखेंगे तो रावण का उदय हो रहा था तो कोई विश्वामित्र परेशान थे कि उसके लायक युग के लड़कों को तैयार करना है और राम लक्ष्मण को तैयार कर रहे थे।
कभी कंस का जमाना आया था, कोई संदीपनी परेशान थे कि इस युग के लायक इस पीढ़ी को तैयार करना है, कहीं चाणक्य किसी चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे उस पीढ़ी के निर्माण के लिए, वैसे ही आज उन सारे शिक्षकों को हम सम्मानित कर रहे हैं जो भविष्य के भारत की समस्याओं को समाधान के लिए पीढ़ी निर्माण में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सोसाइटी हेल्पर ग्रुप की कुल टीम इसलिए भी धन्यवाद का पात्र है कि ये विचित्र मैंने एकदम नई तरह के अनुभव की चीज़ों को ढूंढ के ला रहे हैं कि सेवा के ऐसे भी ढंग हो सकते हैं जहाँ घर में बेकार होने वाली चीज़ किसी के लिए जीवन बचाने का काम कर सके। जब दवाइयों में भी नहीं मिलती थी तो कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली ये टीम थी, जब काम करने वाले लोग खतरे में थे, उससे जुड़े हुए लोग, तब अपने जीवन को खतरे में डाल के और किसी को सुख शांति स्वास्थ्य दे सकते हैं, इसी देने का सामर्थ्य रखने का देवत्व का गुण कहते हैं। मुझे लगता है कि आदमी के भीतर जो देवता है उसके जागृति का काम ये संगठन के लोग कर रहे हैं और ये आज उस बिंदु को छू रहे हैं जो भविष्य की पीढ़ी निर्माण में लगी हुई है। दोनों मिलके निश्चित रूप से भारत को बहुत अच्छा करने की दिशा में जाएंगे। महसूस होता है जब पढ़ाए हुए बच्चे अधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े पद पे जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है तेरे गुरु को कि ये गुरु और पिता दो लोग दो जगह हारने में खुश होते हैं। अपना लड़का और अपना विद्यार्थी जब हरा देता है और तब वो जो आगे बढ़ता है उसके सुख की सीमा नहीं रहती है। पिछले साल से इस सफर की शुरुआत हुई। शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पे हम सिवान के कुछ शिक्षकों का चयन करते हैं जिन जो समाज में एक सकारात्मक ऊर्जाओं को संचालित कर रहे हैं, और शिक्षक का सम्मान करने से हमें ये लाभ होता है कि उनके अंदर जो प्रतिभाएँ होती है उससे रूबरू होने का हमें मौका मिलता है, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। और शिक्षक सम्मान समारोह पे जब हम शिक्षकों को सम्मानित करते हैं हमें लगता है कि हाँ, हमारे समाज में कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ अच्छी चीज़ भी है। और शिक्षक सम्मान समारोह हमने चयनित किया जो BPSC अभी एग्जाम जो हुआ था उससे जो शिक्षक चयनित हुए हैं, बहुत सारे ऐसे थे जो 500 रुपये 1000 रुपये के लिए सोचते थे कैसे आएगा। लेकिन होता है ना कि शिक्षा आपको होता है कि जिस घर में अंधेरा होता है एक दिन ऐसा उजाला लगा कि पूरे शहर को रोशन कर देगा। इस BPSC एग्जाम में वो देखने को मिला। बहुत सारे जो हमारी उम्र के भी बहुत सारे लड़के थे जो सोच रहे थे कि हमारा जीवन क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, परिवार का भी प्रेशर था, लेकिन इस एग्ज़ाम में वैसे ऐसे बच्चे निकले। और हमारे मित्र भी है जैसे हमारे राजन जी है, बावली जी भी है जो अभी छपरा में पोस्टेड है। खुशी होता है देखकर कि चलिए हमारे ग्रुप के कुछ लोग हैं जो हमसे जुड़े लोग हैं जो आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना पहचान बना रहे हैं, आज अपने घर को अपने परिवार को अपने पैसे से चला रहे हैं। तो इसलिए हम तमाम लोगों कहेंगे शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में शिक्षक सम्मान समारोह के कड़ी में हर साल हम लोग 20 शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और हमेशा 20 नए शिक्षक होते हैं। शिक्षक किस टाइप के होते हैं, पढ़ाने वाले भी होते हैं, संगीत वाले भी होते हैं, किस तरह के? इसमें हर कैटेगरी के होते हैं जो हमें हमारे समाज को कुछ सिखा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो अभी मैट्रिक बेसिस पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 9th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि न्यू वही होता है, हम जब इन मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो ग्रेजुएशन के बच्चों को कोई पढ़ा रहा है, कोई सरकारी टीचर है, कोई संगीत का टीचर है, कोई डांस का टीचर है, कोई आर्ट का टीचर है। क्योंकि अब शिक्षा होता है ना, हम लोग पहले कहते हैं जो किताब हम स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाना ही शिक्षक होता है, लेकिन कला भी हमारे देश के लिए उतना ही ज़रूरी है क्योंकि ये देश को हम संस्कृति का देश कहते हैं, तरह तरह की कलाओं का देश कहते हैं। तो हम जब डांस टीचर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, संगीत के टीचर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे हमें एहसास होगा कि कैसे अन्य लोग इस घर से निकलने देंगे ऐसे लोग। बहुत कुछ होता है, हमारे सचिन सर भी मौजूद है, सचिन सर से हम 9th-10th का मतलब क्लास किए थे, उनसे सीखने को मिला था। हम जिस स्कूल में पढ़ते स्कूल के भी टीचर रहते थे, हमें बहुत मानते भी थे और आज हमें जब अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए आज हम उन गुरु का सम्मान करें जिन्होंने हमें बनाया है। ये सोसाइटी हेल्प ग्रुप का बहुत ही शानदार आयोजन है जो कि समाज में बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रहा है, क्योंकि समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। और आज के दौर में जबकि हर चीज़ बदल रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, इस समय ये ज़रूर है कि थोड़ा सा जो शिक्षक हैं उनके लिए भी बदलाव जो समाज में हो रहा है उसको समझना होगा और उसके साथ चलना होगा। क्योंकि जब हम आज का दौर सिर्फ ज्ञान का नहीं है, ज्ञान के लिए गूगल पर बहुत सामग्री है, उनको छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षक और गुरुजन को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। आज 5 सितंबर को
सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्म दिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सभी भारतीय मिलकर के बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। और आज ये हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट के सोसाइटी के तरफ से ये मनाया जा, और मैं उनको अनमोल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शिक्षा एक ऐसा पद्धति है जिससे हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है, और ये शिक्षा हमें गुरुजन से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम अपने गुरुजन को सम्मान में बहुत ही अच्छा एक मंच दें जिससे हमारे शिक्षक लोगों का मान सम्मान बढ़े।